So hi guys, welcome to Brown Day Podcast episode 6. ये बहुत fake था. I'm drunk यार. Oh, you're not allowed to drink. TB patients are not allowed to drink. Yes. Moving ahead, आज हम बात करने वाले हैं about some comments that we got on the yes. post. मैंने डाला था एक that what should we talk about in the next podcast? Because कुछ लोग ही है ना जो मतलब वो दस लोग हैं जो देख रहे हैं हमें हर बार. तो अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो सही बात है भाई. नौ हम नहीं चाहते कि 10 से 9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए. Exactly. So if you're watching it, keep watching. So what is the first comment here? First comment, भाई, favorite literature. तू बता भाई ये. भाई favorite literature, I would say, शायद इस बारे में हम बात कर चुके हैं, you know, there's a comic book out there. I think it's actually there are Tinkle. Actually, there are three. Savita Bhavi, Velamma and... अच्छा Velamma को Velamma pronounce करते हैं, मुझे लगा Velma बोलते हैं. Velma क्या नाम है? पता नहीं भाई. Pronunciation does not matter. तीसरी कौन सी है? चाचा चौधरी. अब मैं judge करूँ. चाचा चौधरी and Sabu. Great fetishes. चाचा चौधरी एंड साबू लाइक उस टाइम के शोज भी बड़े तगड़े होते थे ना. हाँ भाई लाइक हातिम सोनपरी. हाँ भाई बहुत देखा है सब हमने. सोनपरी देखा है भाई मैंने. और उनका फॉर्मेट काफी वैसा होता था ना लाइक क्या बोलते हैं जो जैसे फ्रेंड्स है रिपेटेटिव उसमें लाफ्टर लगती है. हाँ. अलग से लेकिन भाई जिंदगी सही रहती थी उन्हें देख के. हातिम तो मतलब ऐसा था कि वो रोज रेगुलर एक रैंडम चूतिया एडवेंचर पे जा रहा है. हाँ. जो कि इक्वली चूतिया है लास्ट एपिसोड से पर फिर भी हम बैठे थे आज हातिम पता है ऐसी जगह जा रहा है जहाँ उसकी गांड पिट जाएगी. हाँ. मौत की खाई में कूद गया हातिम. पता नहीं मेरे को कूदा है कि नहीं, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली. मेरे को सारे एपिसोड याद नहीं है. तुझे कुछ याद है हातिम से? नहीं भाई मेरे को सिर्फ कीकू याद है उसमें से. कीकू और उसके बड़े कान. एक तो एक और आता था शो विक्रम घबराल. विक्रम बेताल. चांदी के सिक्के होते थे वो घबराल को देता था और एक कहानी सुनाता था. अबे था एक नहीं था? था भाई विक्रम घबराल. गाइस मेन स्ट्रीम कौन सा है? अब इसने देखा नहीं. बेकार चूते कंटेंट कंज्यूम करता है वेंचर. मैं बताता हूँ इसको वीडियो के आइडियाज कहाँ से आते हैं. पुनीत सुपरस्टार को देखता रहता है का पूरे दिन. कहता भाई ऐसा कुछ करना है तो कर दिखाया ना भाई. कर दिया भाई इसने. यस डन इट. एनीवेज लाइक सीरियसली कौन सी बढ़िया बुक्स तो बाबा पढ़ते नहीं हो वैसे. बुक्स यार मैंने पढ़ना छोड़ दिया था 10th के बाद. मेरे को समझ नहीं आया कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट. बट तेरी कौन सी है फेवरेट बुक? भाई 12 रूल्स ऑफ लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन. काफी उसका मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था. फिर क्या हुआ? ज्ञान चोद दिया. ज्ञान चोद दिया. नहीं ऐसा होता है. बढ़िया है. इट वाज गुड. मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था बट उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग अलग अलग शिफ्ट हो गए तो मैं बुक नहीं मिली वापस मेरे को. यही शुदा भाव. आप सब कुछ तो डाउनलोड कर लेते हो. ये नहीं डाउनलोड आपसे. अबे मेरे को लगा सविता भाभी है ये फिर मैंने सविता भाभी चूज करा. एनीवेज आई वुड रिकमेंड 12 रूल्स ऑफ लाइफ टू एवरीवन हु इज वाचिंग. यार मतलब दिस इज अ बुक जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ यूजुअली. जो भी मेरे से बोलता ना बर्थडे पे गिफ्ट दे दो मैं कह मेरे पे पढ़िए ले ले. ठीक है भाई बर्थडे आ रहा है मेरा. कहाँ अगले साल आएगा भाई? हमारा बर्थडे में साथ ही आता है. हमारा बर्थडे 3 दिन आगे पीछे आता है तो बहन के लड़के को याद है. खैर ठीक है. तो द बुक इज रियली कूल मेरे हिसाब से क्योंकि उसमें ना लाइक बहुत बेसिक रूल्स दिए हैं लाइक ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. बहुत बेसिक चीज़ें लेकिन जब उसकी वो साइकोलॉजिकल डेप्थ में जाता है ना कि कैसे एक इंसान की लाइफ में ऐसे डिसीजंस जो है कितना मैटर करते हैं. भाई वहां पे वो बुक गांड फाड़ देती है. मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था यार. मतलब एक्चुअली सच में उसमें डेप्थ तो है यार. मैं ये चीज सोच रहा था कि अगर इफ आई वुड स्टार्ट रीडिंग अ बुक अगेन दैट वुड बी इट. बाकी उसके अलावा मैं बुक सच में नहीं पढ़ता. मेरे को कई लोगों ने बोला है यार कि यू शुड स्टार्ट रीडिंग बुक्स. तूने भी बोला था. उससे पहले वासु ने बोला था मेरा जो रूममेट था ही यूज्ड टू टेल मी कि यार बुक्स पढ़ा गया मर गया. नहीं अभी है बट ही इज सफरिंग फ्रॉम थर्ड स्टेज कैंसर. इन अ वे था. इट्स नॉट अ जोक यार. इन अ वे था मतलब. हाँ
वेरी फ्यूचरिस्टिक गाय माय फ्रेंड यार. एनीवेज सस्टेनेबल फ्यूचर गाइस. खैर इंसानों को भरना पड़ेगा आई गेस. नहीं टू सस्टेन और आल्सो वी आर नॉट मेकिंग जोक ऑन कैंसर ऑब्वियसली. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट मार्स वाली चीज इलॉन मस्क. ट्विटर पे भी आएंगे. ट्विटर खरीद लिया भाई ने. लेकिन जो ये मार्स वाली चीज कर रहा है. मेरा एक दोस्त मैं अभी ट्रिप पे गया था जिस बंदे के साथ मैं रील्स नहीं डाल रहा था. हाँ. वो कहता कि मैं चले जाऊंगा मार्स पे. अच्छा. एंड लाइक वो मेरे को पूरा प्लान बता रहा था इलॉन मस्क का कि 2030 तक 1.5 मिलियन लोग होंगे. 2050 तक ऐसा हो जाएगा. अच्छी बात है. बढ़िया. वैसे एक बहुत ही मतलब अमेजिंग फैक्ट है अबाउट इलॉन मस्क की उसने जो जो चीजें बोली हैं मैंने जो कर दी है मतलब. और वो काफी मतलब ये नहीं बोलूंगा कि 100% एक्यूरेसी उसकी रही है कि जो भी उसने बोला वो हो गया है. 6 शादियां बट कितने सारे बच्चे. हाँ मोस्टली जो भी चीज उसने बोली है ही हैज डन इट. He would have promised it to his wives. In fact, मतलब I have seen an interview of him जहाँ पे वो काफी चीजें predict करता है कि यार आगे उसके क्या plans हैं कि यार हम मार्स तक इतने में पहुंच जाएंगे ये चीजें हमारी हैं. तो I believe यार कि this guy has a lot of potential. मतलब being a businessman myself, what would I advise to him? I would say keep working hard. It's your life man. Make it large. तू क्या advice देगा Elon Musk को? मैं क्या एडवाइस दूँ इलॉन मस्क भाई. ट्विटर ट्वीट तो बहुत सही करता है वो हैंचन. उसने ट्विटर को एक तरह से सीख लिया बंदे ने बहुत तगड़े तरीके से कि कैसे ट्विटर पे ऐसे ट्वीट करने हैं कि वायरल हो जाए. मैं उसने सीखा नहीं है. उसने मतलब उसका सिनेरियो ऐसा ना तुम इतनी बड़ी पोजीशन पे होते हो हैंचन. हाँ कि अब वो कुछ चूतिया सी चीज बोलेगा ना. वो बड़ा क्रिएटिव है हैंचन. लाइक अगर मैं ट्वीट कर दूं लीगलाइज कॉमेडी तो किसी को नहीं फर्क पड़ रहा. लेकिन इलॉन मस्क लीगलाइज कॉमेडी करते तो हैंचन रीट्वीट पे क्या पता वो कुछ खरीद भी ले हैंचन इस जैसा. ट्विटर का इनफैक्ट ऐसा सीन था कि मतलब पता होगा वैसे तो यार. हाँ हाँ क्या ट्विटर ले लिया भाई ने. फिर भी द थिंग वाज मैंने देखा था कहीं मैं पढ़ा था ये चीज कि उसने उसको किसी ने बहुत पहले ये चीज लिखी थी क्या? कि ट्विटर के बारे में कुछ बात चल रही थी. फ्रीडम ऑफ स्पीच कम हो रहा है ये वो. उसने कुछ बोला तो उसने कुछ बोला कि यार ट्विटर मेरे को ट्विटर अच्छा लगता है ऐसा कुछ बोला उसने. तो एक और बंदे का नीचे रिप्लाई आया था यू शुड बाय इट देन. वो एक साल पहले का था. तो उसने उसका रिप्लाई करा था कि हाउ मच इज इट वर्थ. हाँ पैसा. और भैंचोद अब उसने खरीद लिया. मतलब काफी प्रेडिक्टेबल इन टर्म्स ऑफ ट्वीट. ही इज वेरी प्रेडिक्टेबल यार. मतलब जो बोलता है भैंचो कर देता है यार. काफी फैसिनेटिंग चीज है सब लोगों के लिए. ये है भाई. अबे सोच के देख ना कि 43 बिलियन की चीज. हाँ कोई खरीद ले भैंचोद. खुद सोच के देखो ना यार कि मतलब इन अ वे ना वो आयरन मैन लाइफस्टाइल जो है ना. इलॉन मस्क काफी सही पोर्ट्रे कर रहा है भाई. अगर मैं किसी और को भी चीज प्रॉमिस करता हूँ देयर इज नॉट अ 100% गारंटी दैट आई एम गोइंग टू फुलफिल इट. अगर वो 43 मिलियन की है तो बिल्कुल भी नहीं. बिलियन हाँ तो बिल्कुल भी नहीं. बट भैंचो सोचो यार दिस इज अल्टीमेट. बट तेरे को क्या लगता है अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच अबाउट दिस थिंग ट्विटर कि अब वो उसने टेक ओवर कर लिया. यार देख अगर अब पता नहीं यार क्या करेगा वो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें नहीं पता ना क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स. मुझे लगता है कि यार फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एक बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है. लाइक फ्री विल जो जैसे बोलते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी ऊपर जो फ्री विल आता है ना फ्री विल बहुत ही क्या बोलते हैं चूतिया कॉन्सेप्ट है. तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे पास फ्री विल है बट इन अ वे नहीं है. और अगर होगी भी तो तुम क्या उखाड़ लोगे. लाइफ तो तुम्हें वही जीनी है ना. मैं चूंकि सुबह उठे दोस्तों के साथ बकचोदी की ठीक है बंदी के साथ घूमे सेक्स किया या मुठ मारी इफ यू आर सिंगल या फिर यू गो टू अ बार एंड हैव फन. और क्या करो. वेयर इज द बार. कौन सा बार जो तू कह रहा है. आई डोंट गो टू अ बार ना. अच्छा ठीक है ओके कूल प्रूव्ड हैंस प्रूव्ड ठीक है. बट नहीं मैं क्या कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि फ्री विल का कुछ नहीं उखाड़ सकते भाई तुम. तुम्हारी लाइफ इतनी मोनोटोनस है ना इन अ वे. अगर उसको देखो डिप्रेस मत हो जाना इस चीज पे. हमारी भी है. बट लाइक फ्री विल से कुछ उखाड़ नहीं पाओगे. तुम्हें करनी वही चार चीजें. तो इट्स बेटर कि कोई ऊपर से ना उसको कंट्रोल कर रहा है सो दैट सिविलाइजेशन कंट्रोल में रहे. यार बट डोंट यू फील कि मतलब एक तरीके से इस खैर ये थोड़ा डिबेट वाली चीज हो जाएगी. हाँ, बिल्कुल हाँ. मतलब ऐसा डिबेट ही बन जाएगी पूरा कन्वर्सेशन. बट डोंट यू फील कि यार दिस थिंग कि अगर जैसे चोरी है ठीक है यू कैन कम आउट विद द सेम आर्ग्यूमेंट इस चीज पे भी कि यार अगर मतलब हम चोरी कर रहे हैं तो हमारी मोनोटोनस लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा कि अगर हम कोई हमारे घर से कोई कुछ चुरा ले जाए. हमारे से नहीं तो अगर पड़ोस में चोरी हो गई कल हो सकता है हमारे साथ हो जाए.
तो हमारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा उसका, बट स्टिल वी शुड स्टैंड अप एंड से ना कि फेंस लगाओ. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच की, अगर मैं अगर बताऊं यार, मेरे को ऐसा लगता है यार कि सही बात है, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, बट कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनके ऊपर तुम सॉल्व नहीं, जिनको तुम कर सकते, बट लेकिन यार तुम बात करते रहोगे ना तो बहन जो चीजें ज्यादा वो होंगी. जैसे लेट्स टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट या फिर वुमेन सेफ्टी. अब यार वुमेन सेफ्टी को बहन जो तुम कर नहीं सकते इम्प्लीमेंट अच्छे से, समझ रहा हूँ. इट इज जस्ट लाइक क्राइम ना, कि कभी बंद नहीं होगा, लाइक तुम कितना भी रिफॉर्म ले आओ, बट तुम उसको बोलते जाओगे लोगों के दिमाग में रहेगा. मतलब आउट ऑफ 10 देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यार चार लोग बोलेंगे कि भोसड़ी मत कर, ये गलत है. अगर किसी को पता ही नहीं तो हो सकता है कि दो बोले, हो सकता है कि तीन बोले, हो सकता है कि चार ही बोले, बट टू बी श्योर यू नो, जस्ट कीप द कन्वर्सेशन गोइंग. हां, आई एग्री टू दैट, वो वाली चीज तो आई एग्री टोटली, बट वही वाली चीज है, मैं कह रहा हूँ कि जो ओवरऑल सेंस में बहुत ज्यादा ही फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली बात करते हैं ना, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार तेरी बात इवेंचुअली हर बंदा ना जो टॉप पे है, साइलेंट कर लो यार फोन से, जो बंदा टॉप पे, बाबा आपका फोन साइलेंट है? नहीं नहीं, मेरा साइलेंट. आपका साइलेंट है? ठीक है, ऊपर है ना, ऊपर है ना, ठीक है. तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, जो बंदे टॉप पे है ना भाई, उन्हें अगर एक लेवल पे कंट्रोल रखना है ना भाई, तो कंट्रोल रखना तो यही होता है. तो मतलब एक सेंस में तो भाई फ्रीडम जाएगी, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच जो चीज है ना भाई, कि भाई जो कुछ भी बक दो, उसमें भी एक आई गेस सेंसिबिलिटी तो होनी चाहिए, कि लाइक अगर तुम कॉमेडी कर रहे हो तो चलता है, बट अगर तुम कुछ भी अनशन बके जा रहे हो तो भाई. तो इस चीज पे बात कर लेते हैं, वो विल स्मिथ वाली चीज, हाँ, चाटा मारा था ऑस्कर्स में हुई थी. हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट यार? मतलब भाई गलत, इज इट जस्टिफाइड? नहीं है, मतलब जस्टिफाइड तो है ही नहीं बहन चुत, बिल्कुल नहीं है भाई. बट लाइक मैं इस चीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो कॉमेडी है ना, स्पेसिफिकली जब हम किसी सेलिब्रिटी की बात करते हैं, तो हम कितना पर्सनल चले जाते हैं, और उसकी लाइफ पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा. ये वाली चीज़ भी बहुत मतलब खतरनाक सी है, अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखे तो, कि वो किस लेवल के फ्रस्ट्रेशन पे होगा कि उसने जाके चाटा मार दिया. एक उसका पर्सपेक्टिव है, और एक दूसरा पर्सपेक्टिव है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी को भी चाटा मार दोगे क्या जाके? मतलब ऑब्वियसली ही शुड हैव, मेरे को भी लगता है यार उसको स्टैंड अप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूंगा, वो स्टेट ऑफ माइंड ऑब्वियसली होता है यार, कई बार तुम होता है कि तुम बावले हो रखे हो बहनचोद, और किसी चीज़ की वजह से, और किसी ने उसी चीज़ पे तुम्हें दोबारा पॉइंट आउट कर दिया. बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो फेमस ना हो, पॉपुलर ना हो, बिन देयर. मतलब लड़ाइयां ऐसे ही शुरू होती है. हाँ, एक फिरक ज्यादा दिमाग, और फिर और यार बेसिकली चांटा मारना या फिर एक तरीके से एंगर शो करना, मतलब तुम नहीं ही थे ना उस स्टेज पे. एंगर किसी को ऐसे नहीं आता कि मजा आएगा देखता हूं मैं मार के आता हूं. ऐसा कोई नहीं करेगा. तो हां, ऑब्वियसली देयर वाज समथिंग दैट वाज गोइंग इनसाइड हिज हेड, बट रुक जा भाई, तू ऑस्कर्स में भी है, तेरी रेपुटेशन भी है. बिल्कुल भाई, एक चांटे की वजह से थोड़ा खराब हो सकता है चीजें, बट इवेंचुअली क्रिस रॉक विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. यस, बिकॉज़ ही इज अ कॉमेडियन, बिकॉज़ ही इज अ कॉमेडियन. अगर वो पॉलिटिशियन होता चुज जाता, वो कोई नहीं वोट करता उसको. अब अगला जो उसका स्पेशल आएगा, और सोच अगर वो इंडिया में पॉलिटिशियन होता, वो लोगों की बहू बेटियों के बारे में बोलेगा तो पिटेगा ना. हम तो दो चांटे मारते हैं, और बेटा ऐसे ही होता है यार. बेसिक मुनावर फारूकी. मुनावर फारूकी के बारे में तो एक चीज है भाई, आई एम अ बिग फैन, बट ये चीज जो तूने बोली ना उस दिन की, कि वो एक जोक पे पिट गया जो कि फनी भी नहीं था. मैंने बोला फैन के लड़े. Go watch episode 3. Yes. No more. Yes. Anyways, moving ahead. अगला question जो पूछा है बंदे ने, वो यही है कि like movie या show कौन सा recommend करेगा तू? यार मैं show recommend करूँगा भाई. यार मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक show जो बहुत ज़्यादा funny है मेरे हिसाब से is Friends. मतलब बहुत mood अच्छा कर देने वाला show है. ठीक है भाई. ओके. ये चूतिया बना रहा है जो मेरे साथ बैठ के देखता था. कई बार मैं बैठ के फ्रेंड्स देख रहा होता है मैक्सिमम. भाई मैंने फ्रेंड्स देखा है 17 साल की उम्र में, 18 में मैं देख नहीं पाया. एज हिट हो गई थी ना तेरी. खैर ठीक है, मतलब यार आई फील तो अभी तक देखता है ना. कितने साल गया तू? अब नहीं देखता. कितने साल गया तू?
ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते लेकिन हम अपने फैंस को कोल्ड ड्रिंक रेकमेंड कर रहे हैं। मैं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आई फील कि यार मतलब फ्रेंड्स जो है मैं अब इसलिए नहीं देखता क्योंकि ज्यादा टाइम ही नहीं है जो देखने के लिए। रिपीटेटिव शोज देखने का, वही सेम शो तुम देख चुके हो दोबारा दोबारा। मैं 6 बार फ्रेंड्स देख चुका हूँ भाई, मैं दोबारा फ्रेंड्स को देखूँ? आई वॉच समथिंग डिफरेंट डार्क या ऐसा कुछ। लास्ट टाइम कौन से सन में देखा था? लास्ट टाइम आई थिंक मैंने देखा होगा भाई आज से 2 साल पहले। प्रतीक्षा यहाँ बैठी है और कह रही है बस ठीक है। यार बट फ्रेंड्स एक अच्छा शो है यार। आई फील फ्रेंड्स तुम्हारा यार मूड तो लाइट कर देगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हें तुम्हारी गांड से हंसी निकाल देगा, बट यार एक अगर तुम्हें लगता है ना यार कि तुम्हारी लाइफ सही नहीं चल रही, यू जस्ट वॉच इट आउट। एक थेरेपी की तरह है फ्रेंड्स यार। लाइक मूड लाइट करने के लिए तो आई विल ऑल्सो एग्री। प्लस अगर यू आर स्टार्टिंग आउट इन टू कॉन्टेंट ना, कि अभी तुमने कोई सीरीज नहीं देखी है, कुछ नहीं देखा, तो फ्रेंड्स इज लाइक अ गुड शो टू स्टार्ट विथ, क्योंकि वो ना बिल्कुल बनाया है उसी लिए गया है कि सब देख सके। एकदम मेन स्ट्रीम बकचोदी है उसमें, तो हाँ दैट्स देयर फॉर श्योर। बट इफ यू वॉन्ट टू सी एनी थिंग अबव फ्रेंड्स तो भाई ऑफिस, द ऑफिस। किसने रिकमेंड किया था द ऑफिस तेरे को? I think Pratiksha was the one. Pratiksha is the one. क्या होता है? Pratiksha, if you're watching this. Pratiksha was the one क्या होता है? But I want to know. Pratiksha is the one. Pratiksha was the one. Pratiksha will ever will like. Pratiksha, if you're watching. If in any case, if you're watching. ये ऐसे ऐसे बनता है। ये बाद में जो डांटती है ना, ये ऐसे होता है ये चीज़ें। Anyways, हाँ, Office एक ऐसा शो है भाई जो गांड से ऐसी निकाल देगा। उसमें कई मोमेंट्स ऐसे लाइक जो बेस्ट पार्ट में लगता है ना ऑफिस का, वो ये होता है कि वो ना बहुत ही इमेच्योर कैरेक्टर्स को लेके आते हैं। लाइक ड्वाइट, माइकल, ये ना बहुत बच्चे से कैरेक्टर्स और वो सेम चीज बार बार करते हैं ना, तो तुम एक्सेप्ट कर लेते हो उनको। पहले इनिशियली होता नहीं। हाँ, पहले लगता है कि क्या है। ऑफिस में यही देखा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एपिसोड तुम देखोगे फ्रेंड्स का, कहीं से भी वो ऑफिस का कहीं से भी शुरू करो, तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि बहन जो नहीं है ये फनी। और फिर 3 एपिसोड के बाद जब तुम्हें लगे ना कि यार ये ऐसा ही है, फिर लगने लग जाएगा। हाँ यार, ओ भाई वो गलत ही लेवल की पागलबंदी कर देंगे। और कई मोमेंट्स तो ऐसे आए लाइक ऑफिस, मैंने लॉकडाउन में देखा था भाई, मैं पॉज कर करके हंसा हूँ भाई। ऐसे कि अब ड्वाइट ने कर दिया, मैं पॉज किया, अब हंस रहा हूँ। बस मैं घर में घूम रहा हूँ पूरा, हंसते जा रहा हूँ। गार्डन चला गया, फिर वापस आया, हंसते फिर प्ले करके देख रहा हूँ। तो लाइक ऑफिस इज लाइक अ गुड शो। इट्स गुड यार, ऑफिस तो अच्छा है। बाकी उसके अलावा क्या रिकमेंड कर सकते हैं? पंचायत अच्छा शो है। पंचायत अच्छा शो है भाई। पंचायत देखो यार, पंचायत फेंचो नेक्स्ट लेवल सिनेमाटोग्राफी है। राइटिंग भी मस्त है भाई, और जीतू तो मस्त लगता है। लाइक स्लो फॉर्म कंटेंट मुझे लगता है बहुत कम लोग क्रैक कर पाते हैं। यस, क्योंकि फास्ट फॉर्म लाइक कट 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 वाला तो इट्स इजी, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन जो है कम है, तो उसके हिसाब से वो सही बैठता है। लेकिन जब आप स्लो फॉर्म कंटेंट को भाई, मूवी कौन सी सजेस्ट करेगा? मूवी कौन सी सजेस्ट करूँगा यार? मूवी अपनी स्टीव करेल की मूवी देख लो कोई, टॉम हैंक्स की मूवी देख लो कोई, फॉरेस्ट का अच्छी मूवी है। फॉरेस्ट गंप अच्छी मूवी है। हाँ, बढ़िया है फॉरेस्ट गंप। लाइक फील गुड में है। फील गुड मूवी में परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, फॉरेस्ट गंप, ये सब बहुत सॉलिड मूवीज हैं। वैसे ये लेकिन ना ये बहुत वो यार, मतलब मेनस्ट्रीम मूवीज। तू बता ना कि कुछ तू देखना चाहे जो तूने देखा है कि और लोगों को इतनी अच्छी लगती, तेरे हिसाब से अंडररेटेड है। अंडररेटेड भाई मैं सीरीज बताता हूँ, बोजैक हॉर्समैन भाई। मैंने रिसेंटली देखना शुरू किया भाई, बहुत ही सॉलिड सीरीज है। लाइक आई वुड से कि उसमें ना तुमको थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस चाहिए, बिकॉज उसकी जो लाइक जो वो डेप्थ टच करता है ना वो शो, वो गलत ही लेवल। तूने रिक एंड मॉर्टी देखा है? रिक एंड मॉर्टी भी देखना चाहिए। रिक एंड मॉर्टी इज लाइक टोटल बकचोदी। बोजैक हॉर्समैन इज लाइक बकचोदी, और बकचोदी के बीच में ना एक ऐसी लाइन डाल देंगे वो जो ना बहुत ज़्यादा भयंकर लेवल पे हिट कर जाएगी तेरे को। तो लाइक जो चीज़ वो करते हैं ना वो ये है कि जो तुम्हारे डार्केस्ट थाट्स हैं ना उसको एकदम टॉप लेयर पे ले आते हैं और उसे दिखा देते हैं। और तुम जो चीज़ रात को सोचते हो ना सोने से पहले कि यार ये डिसीजन ठीक है कि नहीं, ये करियर डिसीजन ठीक है कि नहीं, या फिर ये इंसान मेरे लिए टॉक्सिक तो नहीं है, या फिर ये दोस्त सही है कि नहीं, या ये बंदी सही है कि नहीं, उन थॉट्स को ना वो ऊपर ले आता है। और अगर तुमने बोझा और मैंने एक गो में देख लिया ना ज़्यादा एपिसोड्स, तो भाई तुम हॉल्ट हो जाओगे लाइफ में। जो मेरे साथ भी हो गया था भाई, मैंने एक सीज़न फटाक से देख लिया। तो एक दिन मैं पॉज सा हो गया कि भैन चुनी क्या देख लिया मैंने।
मैं खुद ही रीथिंक करने लग गया लाइक. तो लाइक बोजैक हॉर्समैन इज अ शो, अगर थोड़ा सा पेशेंस है तो भाई देखो यार डेफिनेटली आई एम वॉचिंग इट सीजन टू पे मूवी. ठीक है यार, आई वुड लाइक टू सजेस्ट, मतलब ये तो वैसे मेन स्ट्रीम मूवीज होगी, गैंग्स ऑफ वसेपुर वगैरह, दीज आर द मूवीज विच आर मतलब कल्ट क्लासिक्स अभी जो बन चुकी हैं. उसके अलावा यार मैं देखता हूँ मैं जो किसी एक एक्टर को पकड़ के मूवीज, फॉर एग्जाम्पल नवाजुद्दीन सिद्दीकी पकड़ लिया, अब उसकी जितनी पुरानी मूवीज है ना, चाहे वो हिट हुई हो चाहे वो ना हुई हो, उसकी पकड़ के देखेंगे. जैसे रमन राघव, भैनचोद बढ़िया मूवी है भाई, वो ऐसी मूवी है कि वो इंडिया में ऐसी मूवी है भैनचोद कि उसको समझने के लिए तुम्हें अलग ही नेक्स्ट लेवल सोचना पड़ेगा कि क्या बकचोदी है भाई ये. फिर वो देखिए तूने, मतलब यार उसकी मूवीज देखता है राजकुमार राव की, राजकुमार राव की भी जो पुरानी मूवीज थी राजकुमार राव की, एक एक मतलब जो मेरे जिसने गांड ही हिला दी ना एकदम नेक्स्ट लेवल तरीके से इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इट वाज शाहिद एंड उमेरता. उमेरता देखी तूने यार? ये बहुत रेकमेंड कर रहे हैं लोग मेरे को यार, लिस्ट में है मेरी. उमेरता नहीं देखी तूने? नहीं 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 भाई साहब, वो मूवियां ऐसी हैं दो, एक बंदा उसने दोनों का रोल प्ले करा है कि मतलब इफ यू गाइज हैवंट वॉच्ड इट गो वॉच इट. मैं ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा बट अगर तुम्हें चाहिए तो आप सुन लो आगे. उसमें यह है कि यार राजकुमार राव ही टेररिस्ट का रोल कर रहा है एक मूवी में, वो बंदा टेररिस्ट का रोल कर रहा है कि एकदम गांडफा टेररिस्ट है जो कि बहुत अंदर से कट्टर वो है जिहादी की मैं एकदम कर दूंगा ठीक है. और एक दूसरी मूवी में वो है कि मैं मुस्लिम हूँ बट आई वांट टू सेव पीपल, मतलब जो और मुस्लिम्स मिलिटेंट्स गलती से फंस जाते हैं केसेस में ठीक है उनको वो निकालेगा, लॉयर है. तो और उन दोनों का इंटरमिक्सिंग है एक्चुअली, ये है कि बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ दोनों मूवीज मेरे ख्याल से या तो हो सकता है सेम डायरेक्टर, मेरे को पता नहीं है कि क्या सिनेरियो है, बट बीच में एक सिनेरियो आता है जहाँ वो दोनों मूवीज ना कोइंसाइड करती हैं और वो एक मूवी में दूसरी साइड बना हुआ है और एक मूवी में दूसरी साइड बना हुआ है. अभी एक मूवी में वो दूसरे बंदे को कह रहा होता है कि ये बंदा जैसा नहीं बनना और एक मूवी में वो कह रहा होता है कि ये बंदा. पहले कौन सी देखी? उमरता की वो पहले मैंने शायद देखी थी, फिर मैंने उमरता देखी थी. तो यार ऐसी सिमिलर मूवी है आमिर. अच्छा आमिर में बहुत सारी लगती है. आमिर में क्या होता है कि उस बंदे की लाइक एक टेररिस्ट नहीं होता वो बंदा बेसिकली, वो बंदा बाहर से आया होता है, मुस्लिम ही होता है वो बंदा, और उसको ऐसे फंसा देते हैं बुरी तरह से कि उसे सुसाइड बॉम्ब करना पड़ता है और एंड में वो कर लेता है. अच्छा और वो बहुत ही भयंकर लेवल की मूवी है. कौन एक्टर है उसमें यार वो बंदा, वो टीवी शोज़ वगैरह में भी आता था बंदा. अब उसका एक शो आता था लेफ्ट राइट लेफ्ट करके, पहले मैं बचपन में देखता था उसकी वो मूवी बहुत सॉलिड है भाई आमिर जो है. सो यू कैन वॉच दैट एज वेल. लेट्स मूव अहेड यार, लेट्स टॉक. हाँ भाई नेक्स्ट थिंग यार, नेक्स्ट थिंग आई वुड से कि अब उस पर जाते हैं बेसिकली अपना वाला हॉरर स्टोरीज. हॉरर स्टोरी नहीं फिर अच्छा ओफा काट देना भाई. नहीं अपना वो सेक्स एजुकेशन. सेक्स एजुकेशन ठीक है भाई, दो भाई फिर एजुकेट कर दो भाई. क्या होता है सेक्स बताओ भाई? What is sex? Sex is an act of intimacy. Done between two partners. Yes. With mutual understanding. Yes. Right? And consent. Yes. They can be anyone. A guy or a guy. Girl or a girl. Girl or a girl. Girl, girl, girl. Girl, girl, boy. Girl, boy, girl, boy, girl. Like, you can try any permutation and combination. It works everywhere. But theek hai. So, tera first... मैं ये नहीं बोलूंगा सेक्सुअल एक्सपीरियंस, बट यार हर एक बंदे की लाइफ में ना एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसे पता चलता है कि भैनचोद अच्छा सेक्स होता है कुछ. अच्छा सेक्स से पहले हम उस पे आते हैं कि जब पता लगता है कि सेक्स होता क्या है. हाँ मतलब वही वही अच्छा सेक्स पे कहा आ गया. अच्छा सेक्स होता है कुछ. अच्छा भाई मुझे लगा ये बंदा कह रहा है कि बहुत किसी ने सेक्स किया एंड देन कहां गई हमारी. अच्छा सेक्स किया? नहीं नहीं एंड देन इज लाइक अच्छा सेक्स कुछ होता है. अच्छा सेक्स कुछ नहीं होता. आई लव यू, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है ठीक है. हाँ सेक्स के बारे में जब पता लगता है वो बहुत ही लाइक एक रिवीलिंग पॉइंट होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि ना हम किसी इंसान को ऐसे देखते नहीं है कि यार उसमें से एक इंसान निकलेगा या फिर बनाएगा. उसने करा नहीं है. हाँ बता. हाँ तो मैंने नहीं करा किसी को प्रेगनेंट भाई, थैंक गॉड. तूने करा है क्या? नहीं नहीं तूने बोला तो ऐसी था. एनीवेज हाँ तो उस पॉइंट में ना बहुत ज्यादा ही दिमाग थोड़ा सा फक्का होने लग जाता है, और जो लौंडे होते हैं ना जिनने खुद नहीं करा होता है सेक्स
वो तुम्हें ऐसे ऐसी बातें बोल के डरा देते हैं ना कि तुम्हारी थोड़ी सी फटने लग जाती है। लाइक मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था कि ना हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हम रहते थे नेताजी नगर में, यू नो सरोजनी नगर के पास है, तो भाई वहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते थे घर के सामने ही। तो मान लो ये दो बिल्डिंग है, इसके आगे हम यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर एक दीवार है, दीवार के पीछे रोड है। तो मेरा एक दोस्त था, मैं उससे हूँगा 6th 7th 8th क्लास में, वो होगा 11th 12th क्लास में, ठीक है। तो मेरे को प्यूबर्टी आई नहीं ठीक से, उसको आ गई और वो पागल हो रहा है। तो अब वो क्या करता था बंदा, वो ना वो विकेट कीपिंग करता था हमेशा, ठीक है, क्योंकि विकेट कीपर ना दीवार के पास खड़ा रहता है। और भोसड़ी का क्या करता था, बॉल जैसी बैटिंग हुई, बॉल चली गई, बंदा मुड़ जाता था और ना रोड से लड़कियां जा रही होती थी, वो देख रहा होता था। अच्छा, ऊपर से देखता था। हाँ, ऊपर से देखता था, मतलब ऐसे मान ली ये दीवार है, दीवार के उस तरफ लड़कियां जा रही है, पूरी नेताजी नगर की लड़कियां जा रही है, ठीक है, वो लड़कियां देखता रहता था। अब वो, अब देखो मैं सिर्फ ऑनेस्ट रहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो करता था वो सही है गलत है, वट एवर, मैं सिर्फ ऑनेस्ट रहना चाह रहा हूँ। वो ना अपने लड़कों पकड़ के खुजाता रहता था और बोलता रहता था भाई ये मिल जाए भाई। ओ भाई साहब यार। सो गाइस, यू टेल मी इन द कमेंट्स कैसी लगी आपको गौरव की स्टोरी। तो भाई वो मुझसे वो ये बोलता रहता था और मैं कई बार कंफ्यूज होता था भाई क्या मिल जाए, क्या चाहिए, देखो चाहिए कि तू क्या करेगा अगर मिल जाएगी तो क्या करेगा। तो मेरी तरफ देखता कि तेरे को नहीं पता कुछ, मैं कहा नहीं। उस दिन मैच खत्म हुआ, फिर हम ऐसे घूमे गोल गोल थोड़ा सा नेताजी नगर के चक्कर लगाए, मैंने और उसने, जिसमें उसने मेरे को बताया कि भाई ये होता है, फिर ऐसे होता है, फिर तेरा ऐसे खड़ा हो जाएगा, फिर तेरे को ऐसे डालना पड़ेगा। और गांड कैसी फाड़ते हैं कि भाई सील होती है ये तो भाई हर बंदे का ना एक ये हाईमेन वाले। हाँ, क्योंकि जो समझा रहा होता है उसको भी लंड कुछ नहीं पता। हाँ, उसको भी उसने he's the most virgin person ever and he's telling you because he's there, you are in 6th class and he's telling you what is sex, he's virgin यार, obviously he's virgin। तो वो ऐसे बोलेगा कि भाई ऐसा होता है खून निकलता है, तेरा भी खून निकल, भाई दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत दर्द हो जाएगा। अच्छा भाई, मतलब पैंचो अगर इतना सा भी खड़ा हो रहा होता था ना अंदर चले जाता था। तो भाई फिर वही है, उस दिन हम घूमे थोड़े चक्कर वक्कर लगाए नेताजी नगर के, फिर वो मेरे को बार बार फोटोज दिखाता रहता है, भाई ये देखी होती है, भाई ये होती है वजाना, देख ये होती है भाई ये, ठीक है भाई ठीक है। फिर बाद में जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे को लगा कि हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, नॉट दैट कि मैं विकेट कीपिंग करने लगा, बट बात सही कह रहा था। सही है, मेरे को भी कुछ इस तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ था, मतलब टुवर्ड्स सेक्स। आई आल्सो बेबी क्या कर रहे हो आप, सॉरी के बाद ये क्या होता है बाबा, ये क्यों आ रहा है कैमरे में, क्यों आ रहा है ये, क्यों बोला जाता है, तूने तो ज्यादा पर्सनल लाइफ बोल नहीं सकते। नहीं, ये तो थोड़ा सा इंटरपर्सनल है ना। इंटरपर्सनल नहीं है। अच्छा तू क्या बोला था अपनी मम्मी को, मैं क्यों बताऊं, बता, मैंने तो अभी बोला ही नहीं। इंटरपर्सनल है नहीं, क्या बोला था अपनी मम्मी को भाई, ब्रॉडकास्ट में नहीं है ना वो, तू उससे क्यों पूछ रहा है। प्रतीक्षा भी नहीं है, मैंने तो तेरे से पूछा था, प्रतीक्षा ने बोल दिया, इट्स हर चॉइस। ठीक है, मूविंग ऑन। चोमू का क्या मतलब होता है, बट चोमू व्हाट्स अप चोमू, नहीं अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि तेरे को क्या बुलाती है वो यार। एनीवेज, मूविंग अहेड, बाबा आपकी सेक्स वाली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, अब तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। सो सेक्स वाली स्टोरी, मेरी सेक्स की स्टोरी नहीं है बेसिकली, मतलब क्या हुआ था मेरे फर्स्ट एनकाउंटर पे। हाँ, लाइक यू आर नॉट वो ना पार्टिसिपेटिंग। हाँ, आई वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग, लाइक यू आर जस्ट तो भाई एक्चुअली ऐसा था कि मैं काफी ज्यादा छोटा था, 6th क्लास में था, मेरे को पता नहीं था एक्चुअली कि गालियों का क्या मतलब होता है। एक स्टेज होती है हर लड़के की लाइफ में जब उनको पता नहीं होता कि इस गाली का बेसिक मतलब है क्या, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि सॉरी तेरी माँ छोड़ दूंगा तो मतलब क्या, वो लगता है कि इमोशन है, ठीक है, और बेसिकली इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता था एग्जैक्टली कि क्या होता है। तो ये एक इशू था यार मेरे साथ भी, मैं गालियां तो देता था और लोग मेरे को भी देते थे, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे वो बेसिकली। ऐसे अगर बोल रहा है कि सॉरी तेरी माँ वो छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, भाई क्या कैसे कर देंगे, क्या होता है ये। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं बैडमिंटन खेल रहा था, एक बंदे के साथ बैडमिंटन खेलता था मैं, ठीक है, ही वॉज 4-5 years एल्डर देन मी।
तो उसके बाद क्या पंगा होता था रेगुलरली ना, जब भी हम बैडमिंटन खेलते थे उसकी माँ आ जाती थी कि भाई मत खेलो अब शाम हो गई जाओ। एक दिन मैंने जो आया नहीं कोई, हम खेल रहे बैडमिंटन, तो वो कहता सुनो तू थोड़ी देर बाद चले जाओ अपने घर। पहले तो उसको लगा कि मैं उसको चूतिया बना रहा हूँ कि मुझे पता है बट शायद मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ। बट जब उसको सच में रियलाइज हुआ कि मुझे सच में ही नहीं पता, तो उसने फिर अपना वो जो मास्टरबेशन का टाइम बचा रखा था उसमें से कुछ टाइम मुझे दिया और कहा सुन इधर आ बैठ मेरे साइड में। मैंने कहा ठीक है, मुझे समझाने लग गया वो, कहता भाई देख सुन मेरे साइड में इन कैप्स तो मेरे को साइड मेरे साइड में और फिर मुझे बताता है फिर झुक जा यार, आई वाज नॉट डिस्टर्बिंग लाइक दिस यार, दिस व्हाट डिड आई टेल यू यार अबाउट दिस खैर इंटरपर्सनल स्टफ है याद नहीं आ रहा, बाबू भाई शो नहीं करता कुछ था मैं। एनीवेज मूविंग अहेड विद द स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय द वे। तो फिर उसने मुझे बिठा के साइड में मुझे कहा कि तेरे को पता है तेरे पास जो ये चीज है इसका क्या यूज है? मैंने कहा हाँ भाई टॉयलेट करने के लिए यूज होती है ये तो। कहता नहीं और भी तो यूज है और नहीं पता तेरे को? कहता नहीं पता। कहता भाई मुंह खोल। Anyways, moving on to the story. तो मुझे कहता भाई कि नहीं इसका इसका काफी यूज होता है। मैंने कहा क्या यूज है इसका exactly? तो कहता कि यार ऐसा है कि पैंट खोल। हाँ भाई ठीक है। तो मुझे कहता इसको ना एक्चुअली किसी फीमेल के वजाइना के अंदर डालते ना, दिस इज व्हाट सेक्स इज बेसिकली। मैंने कहा अच्छा। मैं एक बार को तो मैं जो धक्का बक्का रह गया कि मुझे लगता था कि फीमेल्स का भी होता है। मेरे उस टाइम तक ये लगता था कि लड़कियों का भी होता है भाई और बहुत ऐसे तलवारें कट 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 कर रही हैं, पेचे लग रहे हैं, ठीक है आई बो बच्चा हो गया। मुझे ये पता ही नहीं था, मुझे लगा अगर होती भी है तलवार तो कौन सी तलवारबाजी करनी है हमें। पर फिर जब उसने बताया तो पहले मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ। दो तीन दिन तो मैं ट्रॉमा में था, मैं अपने घर वालों को देखने लग गया कि नहीं ना हो ही नहीं सकता, ठीक है। कई बार मैंने देखा मैं ये चीज सोच सोच के देखी। फिर उसके बाद उस बंदे ने मुझे और एडवाइस दिया था, कहता एक काम करियो, मतलब होता ना कि यार एक गॉडली एडवाइस होती है, जैसे होता ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब तुम फंसे हुए होते हो किसी प्रॉब्लम में तो एकदम से तुम्हारे ब्रेन में आती है बेटा विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट। मैं एक बार अकेला बैठा हुआ घर पर, कोई था नहीं, एकदम से उसकी बात आई दिमाग में कि अगर अकेला बैठा है तो यू यू करके देखियो। बट भाव उसके बारे में सोच रहे थे आप? उसके बारे में सोच रहे थे, उसने मुझे बताया था किसके बारे में सोचने का। तो मैं he was very precise। अभी रात को ना घर जाके सोचेगा कि मैं उसके बारे में सोच रहा था या उसकी बात के बारे में सोच रहा था, क्या मैं स्ट्रेट हूँ। उसने बहुत प्रिसाइज बताया था, उसने कहा कि ये सोचना है। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचा, मैंने करा and it was a good thing। So that is how I got introduced to sex. Anyways, वो वाला thought होता है ना कि मैंने अपने parents को देखा, और जब तुम्हारा दोस्त बोलता है कि अरे उनने भी करा तब तू हुआ है, अजीब लगता है वो तुम accept नहीं कर सकते भाई, वो तुम्हें लगता है कि यार ये नहीं 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 ये पता है। इनफैक्ट नॉर्मलाइज तब हुआ है जब मैं प्रतीक्षा के साथ आया ना, लिटरली मैंने तब, क्योंकि प्रतीक्षा बेसिक प्रतीक्षा ने ये वाले जोक्स मारना स्टार्ट कर दिए। क्या बोले? कि वो मम्मी और पापा वाले जोक्स ना, कि अकेले क्या कर रहे हैं रूम में और तू अकेला बाहर क्यों बैठा है। वो वाले जोक्स ने काफी ज्यादा नॉर्मलाइज किया मेरे को। तब तक नहीं, मैं भैंचो 21 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, मेरे को पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता मेरे को, मैं सोच ही नहीं पा रहा कि ऐसा हो रहा है, बट उसकी उन बातों ने नॉर्मलाइज कर दिया। खैर शोना कमिंग टू योर, और बता भाई तू 22 का हो गया? हाँ 22 का है तू, अभी जनवरी में 22 का हुआ है। 22 का हो गया तो ठीक है भाई, अब ये बातें करेगा कि भाई मैंने 20 बोला 21 बोला, इतने साल तो रिलेशनशिप खो गए है ना। नहीं भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं ऐसा, इट्स योर इंटरपर्सनल स्टफ, मैं उसमें कैसे घुस सकता हूँ। सही है भाई ठीक है। कमिंग बैक टू दिस थिंग, एक्चुअली आई जस्ट ओवरहर्ड यू गाइस टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब नॉर्मली व्हाई आर यू सो इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू अदर पीपल्स कन्वर्सेशन? यू ओनली टोल्ड मी ना कि भाई बीच-बीच में एडवाइस देता रहा अगर। नहीं मैंने तो तेरी एडवाइस ना छोड़ दिया था भाई, लास्ट रिलेशनशिप के बाद मैंने छोड़ दिया भाई। क्या बोला रुद्र भाई, रुद्र भाई इफ यू आर वाचिंग
क्या हुआ था लास्ट रिलेशनशिप में भाई? मेरा ब्रेकअप हुआ है, कहता भाई डेट पे जाओ, which was a good advice. हाँ, but like that's how you met your better half, I would say. No, it's a long story. Anyway, yeah, I would like to also ask a question. No, one second. Haan. I would like to ask a question. Like, how serious are you in this relationship? I'm very serious. How serious? Very. Are you planning to actually, you know, what do I call it? Marry her? It's like a interpersonal thing. It's an interpersonal discuss. Thing, yeah. Yes. So I think I should keep it interpersonal with her only. If you're watching this, please comment. He has proposed you, right? Yeah. Interpersonally. So tell me, like, what do you see in हिंदी में बात करना भाई, पहले तो अच्छा ठीक है, इंग्लिश में जब तू ज्ञान चुदाई करता है तो इंग्लिश में क्यों आ जाता है? ठीक है भाई, हिंदी में बता. What do you see in this marriage? Ankle and अच्छा ठीक है, हां अजय मेरे को बता कि जब तू देखता है मतलब व्हाट इज द थिंग दैट एक्साइट्स यू? अगेन ए वेरी इंटरपर्सनल क्वेश्चन. नहीं, अब देख, व्हाट आई एम लाइक, इट इज नॉट द थिंग जो मुझे एक्साइट करती है व्हेन आई लुक एट यू. ओह गॉट इट, वन थिंग तो हट गई. आगे बता. आगे भाई, इट इज आल्सो नॉट द थिंग व्हिच वी शेयर्ड. ठीक है, ये हो गया था एक बार. Anyways, moving ahead. Let's move on. We to the have next. To move ahead, guys. Let's move it was on. Becoming too interpersonal. Let's move on to the next topic, which is, how is your relationship going on right now? You tell us. You tell us in the comment section. You tell us in the comment section. Now, how tera, is tera, lodu, tera. अच्छा ठीक है. मेरा. हाँ. अच्छा मेरा. Like कैसा चल, like क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं? नहीं. What the fuck, bro? No. लड़ाई नहीं हो रही है. वी आर इन अ वेरी हेल्दी, वेरी गुड. और प्लस लड़ाई वाली चीज ना, इट्स वेरी हेल्दी. भैया उसके रूममेट बैठे हंस रहे हैं. हाँ भाई, लड़ाई इज अ वेरी अनहेल्दी थिंग. इट्स अ हेल्दी थिंग. इट्स अ हेल्दी थिंग. इट्स हेल्दी थिंग. अच्छा, बट बाबा ऐसे चाकू लगना, टांके वाके आना इज नॉट हेल्दी ना? इट्स नॉट हेल्दी. बट सी द थिंग इज, ये सब चीजें तो मतलब मजाक है. भाई देखो, जब बंदी वगैरह बैठी हो ना, एंड यू टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, आई अंडरस्टैंड जय भाई. आई अंडरस्टैंड. इट्स टफ. आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बट ठीक है. सी मतलब हाउ रॉ दिस पॉडकास्ट इज बेसिकली. हां यार, डेफिनेटली सब्सक्राइब. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन. व्हाट्स गोइंग ऑन विद द करियर? क्या कर रहे हो भाई अभी? करियर में क्या कर रहे हैं भाई? कौन से ईयर में आ गए? कितनी बैग हैं? मैं भाई अब फोर्थ ईयर में आ जाऊंगा. हाँ. एक बार पूछ के बताता हूँ तुम्हें बाकी. और बैक अभी तक तो नहीं आई, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस सेमेस्टर. व्हाट डू यू थिंक? बहुत ट्रिप पे चल लेते बैंड के लौड़े. कहता मेरे से कि बहुत ट्रिप पे नहीं जा पाऊंगा, दो असाइनमेंट नहीं दिए, तीसरा भी देगा. भाई इस बंदे की लाइफ में इतना केओस, इसकी लाइफ में इतना केओस क्यों है? आज भी कह रहा था बाबा पॉडकास्ट में नहीं आ पाऊंगा, 100 असाइनमेंट गांड से निकालने हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया है. क्या मतलब है इसका? टॉकिंग अबाउट द ट्रिप, हाउ वाज द ट्रिप? मतलब ब्रीफली बता, तू गया था? बढ़िया थी भाई. लाइक ये बंदा जीबी रोड गया था? जीबी नहीं गया था भाई, मैं चोपटा गया था. चोपटा गया था, ठीक है. बट उस टाइम बड़ा मजा आया था जस रेवल से बात करने के लिए ना. तो जब मैं उसे फोन करके बात कर रहा था, हाँ जी ये जो आपकी ट्रिप है ये जीबी रोड की, मतलब JIBHI, ये जो जीबी रोड का ट्रैक है ये कैसा है, दिल्ली में हो जाएगा? वो भी हंस रहा हुआ कहीं ना कहीं. एनीवेज, हाँ ट्रिप के बारे में बताऊँ. लाइक ये ट्रैक ट्रिप थी. ट्रैकिंग में मेरे को आज तक ना विश्वास नहीं था. मैं भी सोचता था कि यार लाइक कुछ एक्टिविटी हो, लाइक पैराग्लाइडिंग हो या राफ्टिंग हो, कुछ हो फन टाइप्स का. जो पहाड़ चढ़ने में क्या है, स्पेशली जब मेरा गांव उत्तराखंड में, और मैं बहुत बार जा रखा हूँ गांव, और वही होता है, मैंने हर बार ट्रैकिंग करके जा रहे होते हैं. लाइक मेरे लिए ट्रैकिंग उतना फन नहीं था, बट आई अंडरस्टूड कि ना इट्स मोर अबाउट कि
तुम्हारी जो हेक्टिक लाइफ चल रही है यहाँ पे उससे तुम दूर जा रहे हो, दूसरी चीज तुम ठीक ठाक लोग ही कंपनी में हो, उनके साथ बकचोदी कर रहे हो, फ्री हो, दैट मैटर्स द मोस्ट. और पहाड़ चढ़ने से ना जो नींद आ जाती रात को, हाँ यार जो तो है. जो दिल्ली में नहीं आ रही होती ना, 3 बजे तक स्क्रॉल कर रहे होते हैं हम, वो वहां नहीं होता भाई. यार ये मेरे साथ नहीं होता, मैंने देखा है भैंचोद, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं नींद वाली चीज को लेके. मेरे साथ ऐसी वाली बीटी नहीं आती, मतलब अभी तो इनफैक्ट नहीं है लाइफ में ऐसी. बाबा दवाइयां सबकी नहीं चल रही ना नींद की. ये भी है. खैर, टॉकिंग अबाउट किसकी बात कर रहे थे हम? अरे शोना नहीं बात कर रहे थे हम, बात कर रहे थे करियर की. हाँ, करियर की. तू बता क्या चल रहा है भाई करियर में? तो अब यही चल रहा है यार कि यूट्यूब पे ही फोकस है, और अब भाई स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं. थोड़ा सा मेन स्ट्रीम जाना पड़ेगा, थोड़ा सा कंटेंट क्वालिटी में गिरावट आएगी, बट क्या करें, अब पैसा तो कमाना है, ज़रूरी है. पैसा चाहिए भाई. बाकी आई वुड से कि एक पॉइंट पे जब आपको अपना बिजनेस स्केल अप करना है, तो थोड़ा सा जो है डेलीगेशन आता है, जो कि अब मैं करना शुरू कर रहा हूँ. जो भी काम है जो मेरे हिसाब से इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, वो मैं दे देता हूँ किसी और को. लाइक एडिटिंग मैंने डेलीगेट कर दी है, ऐसे ही अब मैं राइटर्स भी देख रहा हूँ. और तो मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी बिजनेस वाइज. सही है. बाकी व्हाट यू गोना डू लाइक आफ्टर फोर्थ ईयर? यार आफ्टर फोर्थ ईयर आई हैवन डिसाइडेड एक्चुअली, मतलब कि मैं क्या एग्जैक्टली करूँगा अभी. तो यार ऐसा है कि कमेंट डाउन बिलो. कमेंट डाउन यू, व्हाट डू यू वांट मी टू डू नेक्स्ट ईयर? स्ट्रिप 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 नहीं यार, अलग से आना दिखाऊंगा. खैर अबे करियर वाइज यार, अगर मतलब क्या इंटरेस्ट क्या करता है तेरे को यार, आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली ये नहीं है यार कि मैंने कुछ एक बहुत डेफिनेट चीज़ सोच लिया कि मेरे को इस कर ये चीज़ करने में मज़ा आता है. मेरे को बहुत सारी चीज़ें को करने में मज़ा आता है. यूट्यूब करने में मज़ा आता है, ठीक है, कोडिंग करने में मज़ा आता है, और 3-4 चीज़ें हैं जो मेरे को मज़ा दे रही हैं, जैसे कि बिजनेस. ठीक है, मज़ा दे रही है तो मत बोलो. हाँ, आप रिलेशनशिप में हो, भूले नहीं क्या आप? वो चीज़ तो सबसे ज़्यादा मज़ा दे रही है. खैर, मूविंग अहेड. हाँ, ये तो है ही. बट यार आई फील कि जो मेरी चीज थी वो सेम ही रहेगी एग्जैक्टली, कि यार आई वांट टू परस्यू समथिंग दैट कैन गिव मी मोर मनी. बेसिकली यार एवरीबॉडी इज अ कैपिटलिस्ट कहीं ना कहीं. बट ये तो चलो है ही, हर किसी को पैसे कमाना है, बट लाइक इंटरेस्ट वाइज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट एक्साइट्स यू यार इन दिस रिलेशनशिप? इन आवर रिलेशनशिप बता, करियर में. यार मतलब करियर वाइज ना चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे को कोई एक चीज़ एक्साइट नहीं कर रही उतना ज़्यादा जितनी मेरे को कंबाइंड 3-4 चीज़ें एक्साइट कर रही हैं. मतलब सिर्फ कॉपरेट करने में मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, या सिर्फ यूट्यूब करने में मज़ा नहीं आ रहा, या सिर्फ कोई एक चीज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा. आई फील कि आई एम अ पर्सन हु इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स, एंड वेन एवर आई एम मिसिंग आउट ऑन एनी ऑफ द थिंग्स ना, आई एम हैविंग फोमो. मतलब कोई कह सकता है कि मेरी इमेच्योरिटी है कि मैं कोई एक चीज़ चूज नहीं कर पा रहा, बट मेरे को लगता है यार ये इमेच्योरिटी भैंचोद बहुत सालों से है मेरे साथ. मतलब 3-4 साल हो गए मेरे को एटलीस्ट इस चीज को गो थ्रू करते हुए, एंड आई फील नाउ इट्स नॉट एन इमेच्योरिटी बट दिस इज हु आई एम यार. मे बी आई डोंट वांट टू डू वन थिंग इन लाइफ एट अ टाइम, आई वांट टू डू 3-4 थिंग्स, क्योंकि वो मेरे को ज्यादा सिक्योर्ड रखती हैं. हर बंदा एट द एंड ऑफ द डे सिक्योरिटी देखता है, ठीक है. इफ यू आर डूइंग यूट्यूब, यू वॉन्ट कि यार तुम्हारे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो कि यू डोंट हैव टू गो यू नो लुक फॉर व्यूज, बिकॉज सब्सक्राइबर ऑलरेडी है. Similarly is here कि I feel कि when I'm doing 2-3 things ना, that keeps me really stable, very secured, कि I have everything that I need. तो ये चीज़ है भाई. मेरे को लगता है कि अभी तक मैंने decide नहीं करा कहाँ जाना है, शायद मैं करूँ भी ना, मेरे को लगता है मुझे ज़रूरत भी नहीं है. What do you think? I think what you're doing right now is a very stable business. Podcasting is really stable. नहीं. अच्छा. The other business. Oh. Anyways, moving on. Let's talk about a photo. Yes. कौन सी उठाएं? ये ले ले क्या? ये वाली ले ले. ये वाली ना? हाँ. बहुत ही सेक्स फोटो है भाई. कौन सी जगह है? ये है भाई अमरिक सुखदेव. हाँ, मूर्थल. मूर्थल. पहले तो मूर्थल सुन के ऐसा लगता है बैंचो मैं जा रहा हूँ टॉलीवुड में. अच्छा. मुझे मुठ्ठल लगता है. मुठ्ठल. That's also good reference. But anyways, ये अमरिक सुखदेव. If you are if you've ever been there, or if you're a cook there, तुम आना तो मैं बताएंगे कैसे बनता है खाना. हाँ. इतना चूतिया आलू का पराठा
भाई और वो मेरी 60-70 रुपए का। हाँ भाई इतना चूतिया आलू का पराठा भाई, मतलब मैं पैरों से भी ना बनाऊं, मतलब कि अगर ऐसे बनाना पड़े ना मेरे को पराठा, ऐसे ऐसे करके यूं यूं करके बेल के यूं डालना पड़े, ठीक है, नमक में यूं छिड़क रहा हूँ, तब भी इतना गंदा नहीं बनेगा भाई जितना गंदा उनने बना के दिया। गंदा पराठा था भाई वो। इनफैक्ट सिर्फ उसमें एक चीज थी, फील के पैसे थे, और उसके ऊपर जो जो वो मैं जो स्पर्म जैसा जो मक्खन लगा दिया था हाँ भाई उसके पैसे थे। साहब इतना सा पराठा है, इतना मक्खन, हम लोग लिटरली बाइक से इतनी दूर गए थे अमरीक सुखदेव, रोहिणी ये सोच रोहिणी के, से मूर्थल गए हाँ, ये सोच के कि वहां पे कुछ कि मिलेगा। कुछ बहुत गांड फाड़ होगा खाने के लिए, पराठे खा के मजा आ जाएगा भाई। बट हाँ यहाँ मैं जो मिकमैक तक जाते हैं ना, मिल जाता पराठा बढ़िया, तो इट वॉज नॉट गुड। अमरीक सुखदेव अगर जा रहे हो तो मत जाओ यार, कोई फायदा नहीं है। ज्यादा ओवर इट है मैं, हाँ लाइक कहीं और चले जाओ। उसके पास एक गरम धरम है, वो भी मैंने सुना है बढ़िया यही हमने सुना था अमरीक सुखदेव के बारे में भी। हाँ भाई ये जो ढाबे होते हैं इनका जेनरिक चूतिया फ्लेवर होता है, लेकिन मैं तो कभी कोई सोचता हूँ अगर कोई ढाबा बन गया जो अच्छा खाना बना रहा है, नहीं, ढाबे होते हैं जो अच्छा खाना बनाते हैं। भाई कहाँ होते हैं भाई। ऐसा है कि तू 6-7 ढाबे पे खा रहा है ना हाँ अलग अलग, मतलब ये हुआ कि अगर तू हाँ एक ट्रिप पे वेंचो, बार तू बार जा रहा है, रोटी इधर खा रहा है, चावल इधर खा रहा है, नहीं दाल इधर खा रहा है, फिर तू अगर ना अगर तू ऐसे। रेगुलर एक हाँ डिस्टेंस पे जा रहा है ट्रिप पे, तो तू चेक कर कौन सा ढाबा बढ़िया है, किसी से पूछ ले वेंचोद कि कौन सा बढ़िया है। एक है जमेदारा का ढाबा वेंचोद, क्या मस्त खाना बनाता है भाई वो, उधर मिलता है वो। मेरे को नहीं पता जितने दोस्त हैं उनमें से कोई बोलेगा ओ जमींदारा ये ब्रो, आई एम सी वॉचिंग दिस फ्रॉम जमींदारा का ढाबा हाँ लगता नहीं है। हाँ बट एक है यार वैष्णो देवी के रास्ते में आता है, जब जाते हैं दिल्ली से वैष्णो देवी तो रास्ते में पड़ता है जमींदारा का ढाबा। ऐसे बहुत सारे और ढाबे हैं, ओवररेटेड तो चूतिए होते हैं, बट जो अलग से एक कॉर्नर में एक ढाबा होगा ना, वो बढ़िया सा खाना बनाएगा, देसी भैनचोद बढ़िया होता है। इंटरेस्टिंग। बाकी तो कभी गूगल रिव्यूज़ देख के गया है किसी उसमें? हाँ भाई पहले मेरे को पता नहीं था गूगल रिव्यूज़ क्या होता है, या फिर मतलब हाँ उसमें जो रेटिंग होती है ना कि 4.9 रेटिंग का क्या मतलब है। 4.9 रेटिंग का मतलब ये नहीं कि खाना अच्छा है, खाना महंगा भी है। एग्जैक्टली मेरे को भी पता भाई, हम घुस गए वेंचो एक बार सीपी मैं में। वो देख रहा था वो प्राइस लिखा होता है ना जोमेटो में, तीन हाँ तीन 3 रुपए तीन के नोट है तो हाँ नहीं जाएंगे। तो हम लोग घुस गए भाई एक किसी उसमें, फाइन डाइन में फाइन डाइन तो नहीं, हाँ फाइन डाइन समझ ले, बार टाइप ही था, बार प्लस फाइन डाइन ऐसी मिक्सअप था। तो हम घुस गए बेंचो उधर, हम 3 लौंडे थे, हम पहुंच गए भाई। अब एक लौंडा है जो कहता भाई बियर पिलाऊंगा, बियर पिलाऊंगा, ठीक है भाई चलो भाई पी लेते हैं। अब बेंचो वहाँ पे 350 रुपये की एक बियर, ठीक है, अब बियर मंगा ली चलो ठीक है, अब भूख लग रही है, भूख लग रही है तो क्या मंगाए। अब गरीब इंसान जब जाता है ना तो मेन्यू में लेफ्ट साइड नहीं देखता, वो राइट साइड देखता है, ठीक है, वो ऐसे पैसे देखता है यार सबसे कम, फिर इधर जाता है, फिर कहता है तो पानी है, फिर इधर आता है, फिर जाता है बिन दे इधर, फिर ऐसे देखता है अरे तो रायता है, फिर ऐसे जाता है। तो हमको मिले मोमोज जो सबसे सस्ते मुझे थे, लगा तुमने रायता और पानी मंगाया, दैट्स ठीक ऑल्सो गुड डिश बाय द वे इफ यू आर वॉचिंग, रायता एंड पानी, थोड़ा सा चीनी, इट्स अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ लस्सी एंड छाछ। एनीवेज तो हम देख रहे हैं मोमोज मिले हमें, 5 मोमोज 500 रुपए के। वो बंदा पूरा लकड़ी का डब्बा लेके आया हाँ होता है वो लकड़ी मोमोज का का, डब्बा चूस पूरा डब्बा देना लेके आया, उसको खोला, कोर्ट केस। उसके अंदर पत्ता था, पत्ते के ऊपर 5 मोमोज रखे हुए थे, इतनी इतनी चटनी थी उसने। ये चीज है भाई। भाई दुख होता है भाई जब पैसे निकलते हैं ना ऐसे जेब से कि अच्छा स्प्लिट कर रहे हैं क्या, तू दारू नहीं पिला रहा था, ठीक स्प्लिट करना ही पड़ेगा पता है, वो दारू का सोच के 500 रुपये आया था तो चुद गया उसके तो है ये। भाई। अरे यार सेम चीज मैंने देखी है जो तू कह रहा है ना इंस्टाग्राम स्टोरीज में, बस दैट्स द मैक्स आई हैव बीन देयर। लास्ट पॉडकास्ट में तेरे साथ हुआ था स्कैम क्या चीज उस पे महामाया रसोई पे। महामाया रसोई, वो दैट इज अ वेरी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, इफ यू एवर मैं विजिट पहुंच डीटीयू। गया, एक अंकल है उसमें बैठे हैं, दो चेयर बिठी हुई है, महामाया फिर एवर विजिटिंग DTU, DTU के सामने पड़ता है महामाया रसोई, गो चेक इट आउट राइट नाउ, लाइक राइट दिस नाउ। वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महामाया रसोई, सी द बजट। खाली खत्म होने वाला है। एनीवेज दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट एंड दैट्स ऑल आई गेस फॉर दिस पॉडकास्ट। यस आज थोड़ी ज्ञान चुदाई ज्यादा हो गई आई गेस। आज हमने सीरियस होके ज्ञान चुदाई कर दी, हाँ या तो हम सिर्फ चुदाई करते हैं या फिर हम सब सीरियस रहते हैं।
ज्ञान छोड़ दिया, इंटरपर्सनल हो गया हम थोड़ा सा, इंटरपर्सनल हो गया, गलती दे दी. You guys see the whole footage. हाँ यार, जो 10 लोग अभी देख रहे हैं. Thanks for watching once again from the deepest of my hearts. Brown Media Podcast. Yes. Comment down below. क्या whatever you want to ask us next or whatever you want us to talk about. हाँ, because अगला episode भी तो करना है ना, shoot समझा करो यार. हाँ भाई. Please. हम एक regular cult build करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ. तुम कुछ पूछो हम बताएंगे. तुम कुछ पूछो हम बताएंगे. पैसे हमें मिलेंगे. तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हमें जानते हो. हाँ. बट हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो. शिट, डेजा वू. हम तो सिर्फ अपने दोस्तों का एंजॉय कर रहे हैं. ये हो चुका है क्या? सिर्फ फॉक एवरी यूट्यूबर एवर. ऑलराइट, दैट्स इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय बाय.